पांच साल के लंबे समय के बाद मुंबई में फाइनली लौट आया टेस्ट क्रिकेट। इंडिया प्ले न्यूजीलैंड एट द लेजेंडरी वानखेड़े स्टेडियम। दिस मैच फीचर टू मुंबई बॉर्न क्रिकेटर्स, वन फ्रॉम ईच साइड, एंड सरप्राइजिंगली द वन हु मेड हिस्ट्री वाज अ ब्लैक कैप। मुंबई बॉर्न एजाज पटेल ने रच लिया इतिहास, ले लिया सारे 10 विकेट, बाकी कोई नहीं कर पाया कुछ खास। अनिल कुंबले, जिम लेकर के साथ एजाज पटेल टू जॉइन द लिस्ट। गिल से लेकर सिराज तक वर ऑल अमंगस्ट द डिसमिस्ड। बीइंग 5'6", उनकी फास्ट बॉलर बनने की ख्वाहिश रह गई अधूरी, लेकिन 30 साल की उम्र में उनकी डेब्यू की इच्छा हुई पूरी। अबू धाबी के मैदान में उन्होंने खेला अपना पहला टेस्ट, लिए 7 विकेट्स एंड वाज बेटर देन द रेस्ट। इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री करना पटेल के लिए नेवर लुक फार। जब डोमेस्टिक क्रिकेट में हाईएस्ट विकेट टेकर रहे वो 3 साल लगातार। पटेल बिकेम द 5th न्यूजीलैंड क्रिकेटर विद एन इंडियन ओरिजिन, सून वन ओवर द वर्ल्ड विद हिज लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन। 8 साल की उम्र में ही माइग्रेटेड टू न्यूजीलैंड फ्रॉम मुंबई, लौट आए वहां जहां पिच भी है स्पिन बॉलिंग की आला है। 47.5 ओवर्स डाले और दिए 119 रन। वानखेड़े के पिच पर किया हर बैट्समैन को स्टन। इंडिया की अच्छी शुरुआत के बाद पहला शिकार बने गिल। 44 पर थे शुभमन, लेकिन एजाज ने तोड़ा उनका दिल। फिर बैटिंग पर उतरे चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली नहीं स्कोर कर पाए एक भी रन, पर क्या थी वो उनकी गलती। अय्यर और साहा को भी मिले स्टार्ट्स, दे कुड ओनली ऐड अ फ्यू। अश्विन हुए बोल्ड बट ही आस्क्ड फॉर अ रिव्यू। सेंचुरियन अग्रवाल को भी किया एजाज ने आउट। अक्सर स्कोर्ड अ 50 बट अगेंस्ट पटेल ही वाज ऑलवेज इन डाउट। जयंत और सिराज के अटैकिंग शॉट्स स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री। ले लिए 10 के 10 विकेट, बना लिया इन्होंने हिस्ट्री। एजाज पटेल बिकेम द 3rd क्रिकेटर टू टेक ऑल 10 विकेट्स इन एन इनिंग्स, बट द मैच इज इट ओवर बिकॉज़ एवरी एंड इज अ न्यू बिगिनिंग।